महिलाओं ने निर्जला उपवास कर मनाई हड़तालिका तीज जीवित पुत्री का पर्व। विभिन्न राज्यों में हिंदू धर्म के 3 दिनों तक चलने वाली जीवित पुत्री का पर्व जितिया माताओं ने छठ पर्व के समान एक दिन पूर्व सप्तमी तिथि को नहाए खाए के साथ दूसरे दिन अष्टमी तिथि में निराहार रहकर नवमी तिथि को निर्जला व्रत जितिया पूजन कर पारण समापन करती हैं। यह पर्व अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे ज्यूतिया और जीवित पुत्री का व्रत के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में पुत्र के मंगल कामना और सुखमय जीवन के लिए इस दिन माताएं व्रत रखती हैं। भारतीय संस्कृति में संतान के मंगल कामना से संबंधित पावन पर्व की कड़ी में जीवित पुत्री का व्रत प्राचीन समय से मनाया जाता है। इसमें विधि विधान से कुश का जीमूत वाहन बनाकर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। अष्टमी को पूरा दिन व्रत रखकर संध्या काल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी सामग्री सजाकर जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जीमूत वाहन से जुड़ी है। जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत काल से है। युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज थे। सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देखकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र मंगल कामना के लिए हर साल जीतिया व्रत रखने की परंपरा है। लाइव टीवी समाचार के लिए उमाकांत शाह की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।